Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. सबसे पहले आप पूरी दुनिया में जहां भी सुन रहे हैं देख रहे हैं अल्लाह ताला आपको शैतान मर्दूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके बाद आज बात करेंगे वर्गो के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, क्या अल्लाह ताला की तरफ से इसमें फजल है छुपा, क्या इसमें तंबीह है या इसमें आजमाइशें हैं या इसमें कोई ऐसी एहतियातें हैं जो बरतनी है, उस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग शादी के ख्वाहां थे वर्गोज उनके लिए पार्टनरशिप वाइज बहुत अच्छा टाइम होगा। शादी के प्रपोजल्स आने का टाइम है, शादी के लिए मैरिज लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मियां बीवी के रिलेशन बहुत इन्हांस होंगे। ये इससे इसीलिए शुरू कर रहा हूँ कि शैतान का सबसे ज़्यादा जोर या टारगेट मियां बीवी के रिश्ते ख़राब करने को होता है, तो इसलिए मैं इस साइड पर से शुरू कर रहा हूँ ताकि असल बात पे आया जाए। तो इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है कोई वर्गोज का, उसमें बहुत बेहतरी होगी, बल्कि आप अपना पैसे से भी हो सकता है आप लोग कोई काम शुरू करें जो कि पहले एक बिजनेस किसी के पैसे से चल रहा था, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा ये उम्मीद है। और इसी के साथ साथ वर्गोज के लिए जो मैरिज लाइफ है उसमें भी बेहतरी आने के चांसेस होंगे। रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और वैसे भी ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, रिलीजियस अंदाज से भी एक्सपेक्टेड है और आप इंजॉय करेंगे रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग को। पिछला टाइम आपका बड़ा स्टफ गुजरा, सूरज गिरन चांद गिरन आप ही के उस पर लगे और जो कि बड़े ट्रबल्स रहे आप लोगों की तबीयत सेहत इमोशन सब कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ी। और ये फैमिली में बच्चों अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, अगर आप ओवर 50 हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ इंजॉय करने का टाइम होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा केयरफुल डेट्स होंगी वो हेल्थ वाइज 2 और 3 तारीख 21 और 22 हेल्थ वाइज केयरफुल डेट है। और डिस्प्यूट्स या स्ट्रेस या एनजाइटी या जिसमें आपने डिसीजंस को पेंडिंग रखना है वो है 6, 12, 24 और 25 तारीख। जॉब टाइम जॉब प्लेस के लिए जो 9, 27, 28 बहुत ज़बरदस्त डेट है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए महीना ओवरऑल आपके अब सर पांचों घी में सर कढ़ाई में समझें कि बिजनेस वाइज बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा, उसकी फिक्र नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी ओवरऑल ये पूरा महीना ही अच्छा है। लव लाइफ के लिए भी 7 डेट जो है बहुत अच्छी है। मैरिज के लिए 4, 5, 23 तारीख का इंतखाब करें। शेयर मार्केट जो है उसके लिए 19-20 को शेयर मार्केट को सीखने का मौका होगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर शेयर्स में करनी है तो उसके लिए 10-11 तारीख बहुत अच्छी है। और फिनंशली अगर आपको कोई टाइम दरकार है तो फिनंशली आपको मैं समझता हूँ कि 15 तारीख जो होगी वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी तारीख होगी। वर्गों के लिए मैं समझता हूँ कि ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं वर्गों को बड़े अरसे से सूरज गिरन और चांद गिरन के पिछले मार्च में और उसमें सारे असरात फेस करने पड़े, वो बहुत अरसे से एक मुसलसल ट्रबल को लिए हुए थे और इनके लिए ये सारी जो कंजंक्शन है इनके लक हाउस में हो रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है इस टाइम में। रिलीजियसली खुदा से ताल्लुक़ बहुत मजबूत होगा, रिलीजियसली बहुत अच्छे हो जाएंगे और होना भी चाहिए। इसके बाद आगे अमूमन यही देखा गया है कि स्पिरिचुअली जब आप हाई होते हैं उसके ठीक एंड बाद अगला घर जो है वो इनकम का होता है। मिसाल है अभी 9th हाउस में सारे कंजंक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे प्लैनेट्स, तो ये आपको खुदा खुदा परस्ती दीन धर्म मुस्तरफ रुझान हाथ बढ़ाएंगे। और जैसे ही आप कोई वजीफे कोई ज्यारतें कोई इवेंट मतलब इस तरह की कोई एक्सरसाइजेस करते हैं अगला ही घर जो है वो 10वां घर डूइंग्स का है, तो वही प्लैनेट इधर से डूइंग्स में जाएंगे। आपको लगेगा आपकी दुआ कबूल हो गई, आपको लगेगा आपकी ज्यारत कबूल हो गई, आपको लगेगा आपकी हज कबूल हो गई, आपको लगेगा आपका जो वो दौरा था रिलीजियस प्लेस पे वो कबूल हो गया। इसी वजह से
जो किसी बाजार का चक्कर लगा के आता है वो भी कहता है मैं गया था तो मन्नत पूरी हो गई। कोई उमरा करके आता है वो कहता है वहां गया था तो पूरी हो गई। कोई किसी रोजे पे जाता है वहां पूरी हो गई। बेसिकली ये खुदा का प्लानिटरी एक सिस्टम ऐसा है कि हर स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद जो अगला घर है वो ऐसा ही है जिसमें कुछ गेन्स होते हैं, डेली के गेन्स होते हैं, या वो गेन्स से जुड़ा हुआ घर। तो मैं अमूमन कभी सोचता होता हूँ कि कैसा अल्लाह ताला ने ये निज़ाम सजाया। 12वां घर ट्रबल्स का होता है लेकिन स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। और 12वें घर के सामने बिल्कुल 6th हाउस केसेस, कंपटीशंस, टफ रूटीन्स उसका होता है, तो सेम टाइम पे स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। अब प्लैनेट्स जब आप टफ हुए होते हैं उसी वक्त ही आपके हाथ में तस्बीहां होती हैं, लेकिन जैसी तस्बीहां होती हैं अल्लाह ताला आप पे कर्म करते हैं, आप अगले घर आपका 1st हाउस पर्सनैलिटी एकदम वो उधर से तस्बीहां करके हटता है, उधर से लोग कहने लगते हैं कि चेहरे पर बड़ा नूर आ गया, क्योंकि वो जैसे अब जुपिटर जिनके 1st हाउस में आ गया, जैसे टॉरस के अभी अब तो वहीं रहेगा कुछ ऐसा, इसी में सन आ गया, वीनस आ गया, तो एक निखार आ गया, तो वो कहेंगे कि देखिए आपने कितनी तस्बीहां और कितना सब किया था जिसकी वजह से ये रूहानियत। इसी तरह आपके साथ होना है, वर्गोज इस महीने क्योंकि रिलीजियस हुए होंगे तो लोग कहेंगे कि अगले महीने इनको फल मिलेगा फौरन, तो इनको लगेगा कि ये सब जो इन्होंने प्रैक्टिस की उसका नतीजा है। तो यही कुन फयाकून के तहत खुदा पहले ही बिछा चुका है ये सब कुछ। अब तो आपका हमारा उन बटन्स तक पहुंचना जरूरी है। अब कई लोग कहेंगे कि जी अगर कोई शख्स स्पिरिचुअली नहीं होता इस महीने वर्गो तो डेफिनेटली मैं जो फोरकास्ट दे रहा हूँ मून साइन से, असेंडेंट से दे रहा हूँ, वो सिर्फ वेस्टर्न वर्गो होगा। लेकिन इसमें एक और फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि शैतान मर्दूद जब आपके जिस्म का सवार हो गया, आपने उसको दस्तरस दे दी, आप जिन ज़दा हो गए, शैतान ज़दा की कुरान में टर्म है, तो फिर आप ये कैसे सोचते हैं कि वो अब आपको कुछ करने देगा। प्लैनेट्स बेशक आपको ले जाना चाहते हैं, खुदा का हुक्म वो निज़ाम आपको कहीं और पुश कर रहा है, लेकिन वो आपको ग्रैब करके नहीं जाने दे रहा। अगर वो जाने देता तो आप वो सारा रूहानी प्रैक्टिस करते और अगला ही लम्हा अगले महीने ये सारे ट्रांजिट आपके कर्म के घर या आपके डूइंग्स के घर 10वें घर में होते तो आप लोगों ने उस सारे फ्रूट्स को एंजॉय करना था। लेकिन जब एक बॉडी ही अपनी आप में आज़ाद नहीं है, वो शैतान की सवारी बन चुकी है, तो अब शैतान तो उसको नहीं कुछ करने देगा, वो तो उसका असली दुश्मन है, आप बने ही इसलिए। इसीलिए मैं आज वीडियो के आगाज में आप लोगों को पता है कि सलाम नहीं करता आप लोगों को, आप लोगों को सलाम के तर्जमे से मुखातिब करता हूँ, कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को शैतान मर्दूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि सलाम से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि सलाम बेसिकली जो है वो उसका जो अर्क है या वो करते क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट मंथ कोशिश करेंगे मजीद आप लोगों की इनपुट्स के बाद और अच्छे अंदाज से, जैसे डेट वाइज का ट्रेंड किया है, और इसी तरीके से मजीद और प्रिकॉशनरी अंदाज से अपनी वीडियोस को इन्हेंस करें और आप लोगों के लिए कोई बेहतर गाइडेंस का इंतज़ाम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।